जाएगा प्रिंसिपल सर के पास। आज तो रस्टिकेट कर ही रहूंगा। सर आपने सबकी बात सुन ली, एक बार हमारी बात भी सुन लीजिए। चुप रहो। और कुछ नहीं सुनना हमको। लेकिन सर। चुप रहो। सर ठीक कहा ना मैंने? चुप चुप। अरे ये तो हमारे गेम की आवाज है। हाँ लेकिन यह गेम कौन खेल रहा है? फिर से चूक गया। सर ये वीडियो गेम आपके पास? नहीं वो ये मेरा गेम नहीं है, ये तो मुझे आपकी अलमारी से मिला। हमारी अलमारी से? आप स्टाफ रूम गए थे? हाँ जब हम स्टाफ रूम के पास से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे वो अटेंडेंस की फाइल ले ले। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ गए दुबे जी। ये फाइल कहाँ होगी? अलमारी में ही होनी चाहिए, देखता हूँ। वीडियो गेम? बच्चे तो बच्चे, अब तो टीचर्स भी गेम खेलने लग गए स्कूल में। दुबे, वीडियो गेम में आपका स्कोर देखकर लगता है कि आप क्लास में पढ़ा कम रहे हैं, गेम ज्यादा खेल रहे हैं। सर वो रिकॉर्ड दुबे सर का नहीं, हमारा है। क्या मतलब? हाँ सर ये वीडियो गेम इन दोनों का है, इन लोग क्लास में गेम खेल रहे थे तो हमने छीन कर स्टाफ रूम में रख दिया था। और दुबे सर सोच रहे हैं कि स्टाफ रूम से ये गेम हमने उठाया है और इसीलिए वो हमें रस्टिकेट करने जा रहे थे। तो तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? सर हम कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दुबे सर ने कहा कि। हमने क्या कहा? चुप रहो। क्या ऐसा आप ही ने कहा था? हाँ सर हमारी अधूरी कहानी दुबे सर ने नहीं सुनी। लेकिन हम सुनेंगे क्योंकि प्रिंसिपल हैं हम। बताओ सर जब हम कैंटीन में खाना खा रहे थे। गेम अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये मधुमक्खी कहाँ से आ गई? शू, शू। अरे ये मेरी रोटी खा जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा? ये मधुमक्खी तो हमें मार डालेगी दोस्त। चल भाग यहाँ से। चली गई। क्या मुसीबत है यार, चैन से खाना भी नहीं खा सकते। अरे ये मधुमक्खी तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। भाग! ये तो अभी भी यही है पार्टनर, अब क्या करें? चल स्टाफ रूम में छुप जाते हैं, दुबे सर को देखकर मक्खी भाग जाएगी। दोस्त देख मधुमक्खी गई कि नहीं? वो दरवाजे के बाहर है बद्री। कोई बात नहीं थोड़ी देर वेट करते हैं, जब वो चली जाएगी तब हम भी निकल जाएंगे। अरे दोस्त ये अंदर कैसे आ गई? मुझे क्या पता, अब ये सोच कि हम बाहर कैसे जाएं। दोस्त चल खिड़की से निकलते हैं। हम तो उस मधुमक्खी से बचने के लिए स्टाफ रूम पहुँचे थे। हाँ और सब लोगों को लगा कि हम वहाँ वीडियो गेम चुराने के लिए गए थे। दुबे जी आपको बद्री और बुद्ध की पूरी कहानी सुननी चाहिए थी, ऐसे आधी अधूरी कहानी के आधार पे किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। गलती हो गई सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सर हमारा गेम? गेम तुम लोगों को तभी मिलेगा जब तुम प्रॉमिस करोगे कि क्लास में गेम नहीं खेलोगे। प्रॉमिस सर, हम क्लास में गेम नहीं खेलेंगे। तो ठीक है ये लो। अरे ये मधुमक्खी तो फिर से आ गई। भागो!